क्वेश्चन नंबर छे करांगे, कहिंदा माइनस दो नालों वड्डियां पंज परमेय संख्यावां पता करो। माइनस दो नालों वड्डियां पंज परमेय संख्यावां पता करो। अब सिंपल इस क्वेश्चन के थले देखो बटे वाली रकम नहीं लिखी, आप इसनूं सीधा एक लाइन बना के हल कर लेना। किदा लाइन के उत्ते आपां किदा लिखी दा क्वेश्चन नंबर ये कर लगे हाँ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर छे। कितों केड़ी केड़ी रकम तो माइनस दो तो वड्डियां इंग्लिश में लिखा होना कि फाइंड आउट द लार्जर रैशनल नंबर दैन माइनस टू। ठीक है, माइनस टू तो कुछ इस तरह स्टेटमेंट लिखी होनी है। छेवां क्वेश्चन आपां करना सेम ही आ, उत्थे रैशनल नंबर लिखा हुंदा, इच परमेय संख्या लिखा हुंदा। आपां की करना इहनूं सिंपल, इहदे विच कोई बटे वाली रकम नहीं पई, सानूं कुछ भी बनाउण दी लोड़ नहीं, एलसीएम वगैरह। आपां एक लाइन जिद्दां मैं तुहानूं पहलां एक लाइन वाला क्वेश्चन कराया, उह लाइन वाला एक क्वेश्चन वांगू क्वेश्चन कर लेना। इहनूं तुसीं लाइन बनाओ एक, ओके लाइन बनाई, इहदे विच लिखो जीरो, इधर वाले कड़े होंगे प्लस वाले, इधर वाले कड़े होंगे माइनस वाले, माइनस वाले लिखो पहला, माइनस एक माइनस दो, इधर कड़े होने एक दो तीन चार। ठीक है, इधर भी लिख लो चार तक, ओके। तो जे इधर चार तक लिखा, इधर भी चार तक लिखो, माइनस तीन माइनस चार। ठीक है, हुण की है सारे दे नीचे बटा दो ला दो। ठीक है, घट्टो घट रकम वैसे तो एक वाली रकम भी बटे वाली होंगी, पर घट्टो घट जी बटे च आप रकम ला सकते हो दो ला सकते ना, तो दो ला दो सारे दे थले, इहदे थले सारे दे थले ला दो दो। इहदे भी थले दो, इहदे भी थले दो, इहदे भी थले दो, इदां ही इधर भी ला दो, इधर भी ला दो। ठीक है, हुण देखो आप जो इनकी कटिंग करांगे, कटिंग की तो आ कि जाना एक चौक चौ एक दुनी दुनी दो दुनी चार, आया ता माइनस टू। ठीक है, आ इधर वाली सारिया रकम इस तो वड्डिया ही, सारिया रकम की इस तो की है वड्डिया। इतने कट तो टू वन का टू, टू वन का टू, एक आ गया माइनस वन। ठीक है, इधर भी जो कट्टोंगे टू वन का टू, टू वन का टू, इतने आ जाना वन, इतने आ गया टू वन का टू, टू टू का फोर, इतने आ गया टू। आ सारिया रकम की है तेरे को इस तो वड्डिया, मैंने रुकियो माड़ा जिहा पानी, तुसी लिखना परिमेय संख्यावां इज इक्वल टू। ठीक है, देखो आत माइनस दो सी, इस तो इधर वाली सारिया मैं तुहानूं कह दिया वड्डी आई है, केड़ी केड़ी वड्डी आई, सब तो पहला आई है आ जिहड़ी रकम, केड़ी आई माइनस तीन बटा दो, फिर उस तो बाद केड़ी वड्डी आई है माइनस एक, उस तो बाद माइनस एक बटा दो, उस तो बाद जीरो, उस तो बाद एक वटा दो, किनिया हो गया एक दो तीन चार ते पांच हो गई साड़ियाँ पांच। ठीक है, पांच ही उन्होंने सानू क्या है पता करना। क्वेश्चन नंबर इस तो बाद करांगे आपां सतवां, इन्हों थोड़ा वक्त तरीके मैं कराता क्योंकि इस बटे वाली रकम नहीं लगी, सीधा ही सॉल्व हो जाना, कोई सानू एलसीएम नहीं लैना पैना, कोई कुछ नहीं करना पैना। ठीक है, इस तो सतवां क्वेश्चन करांगे, सतवां क्वेश्चन देखो करांगे आपां, क्वेश्चन दे विच रकम लिखी है तीन बटा पांच अते चार, तीन बटा चार दे विचकार दस परमेय संख्यावां लिखो। ठीक है, तीन बटा पांच अते तीन बटा चार, मैं चार ते पांच दा एलसीएम कढ के देखिया तो वह आया ट्वेंटी, किन्ना आया ट्वेंटी, चार ते पांच दा जदों एलसीएम कढ़िया तो दो दुनी चार फाइव नहीं होना, फिर दो दिन वन फाइव आ गया, फिर फाइव ना की वन का वन आ गया। ये एलसीएम कढ़न का तरीका तुहानू सारयां नू पता ही आलमोस्ट, चार पांच भी एलसीएम किन्ना आया भी, ओके एलसीएम आया भी, पर जदों मैं भी क्वेश्चन किया तो ये
दस रकम नहीं आई रकम ज्यादा कि उन्होंने सू ज़्यादा रकम क्डनिया पैन तो वही रकम ले लैनी वही जानते तो डबल ले लो भी दुना चाली चाली भी करके देखा तद नहीं आया तद मैं सिंपल किया सौखा कम कर लेना मैं सौ बना लेना कि सौ ये नीचे भी सौ बना लेना तो ये नीचे भी सौ बना लेना आप पहली रकम लिया थ्री ओवर फाइव किन्ने ना मल्टीप्लाई करिए देखो ये पहले दो अक्षर की है ध्यान दौ टेन है ना फाइव टू का कि होंगे टेन आना एक जीरो आ जीरो ला लो भी नाल मतलब भी ना गुणा करेंगे तो कि आना सौ थले भी कर दो उपर भी उपर जो गुणा की थ्री टू का सिक्सटीन आ गया थ्री टू का सिक्स आ गया नाल जीरो लग गई फाइव टू का टेन नाल लग गई जीरो ये साठ बटा सौ हो गई रकम ठीक है। दूसरी रकम तीन बटा चार इनू जो मैं किया कि चार मैं किन्ने ना मल्टीप्लाई करा कि मेरा सौ आए तो वैसे पता नहीं लगता तो तू तो इदा कर लेना सौ न भाग कर लेना चार ना ठीक है। ये आ जाना देखो फोर टू का एट टेन चो एट अगे टू उपर उतार जीरो फोर फाइव का ट्वेंटी कि बनता ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ना नीचे कर दो ट्वेंटी फाइव ना उपर कर दो ठीक सैवनटी फाइव पच्ची उत्ती पचहत्तर तो ट्वेंटी फाइव न फोर ना की सौ ओके पता लगा। हूँ देखो आप सिंपल करना क्वेश्चन सीधा लिखना परिमेय संख्यावां इज इक्वल आ साठ है ना तो साठ तो पचहत्तर तक लिख देनी है पर साठ नहीं लिखनी है तो अगली लिखनी साठ तो अगली कड़ी होनी है साठ बटा सौ तो अगली कड़ी आऊगी काठ बटा सौ है ना। मैं तुम ये रफ काम आ सारा इनू बच्चे ऐड नहीं करना काठ बटा सौ आऊगी पहली ठीक है। उस तो बाद कड़ी आऊगी बाहठ बटा सौ त्रेंठ बटा सौ चौंठ बटा सौ उस तो बाद कड़ी आऊगी पैंठ बटा सौ छियाठ बटा सौ सताहठ बटा सौ अठाहठ बटा आ सताहठ है सिक्सटी सैवन सौ सिक्सटी नाइन ओवर सौ ठीक है। किनिया हो गई एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ हो गई एक होर ले दो सत्तर बटा सौ ठीक है पता लगा। इतने तक आप लिख देनी रकम सत्तर बटा सौ तक ठीक है समझ आई। इतने तुम इंग्लिश वाले ने सेम क्वेश्चन करना सिर्फ इतने लिख देना रैशनल नंबरस ओके मैं बार बार दस रहा इन्होंने की लिखना इतने रैशनल नंबर बाकी सेम क्वेश्चन इस तरह ही नोट कर लेना ओके। मैं इनू पॉज किया होया थोड़ा टाइम तुम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन कि नोट करना उस तो पहले वाले क्वेश्चन भी मैं थोड़ा टाइम पॉज कर दिना माइनस टू जरा टू वाला से वो सिंपल सी क्वेश्चन सदा सदा लाइन के उत्ते ही कर देना ठीक है। इन नोट कर लेना बच्चे अपनी कापी के सारे ने।